डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस पूर्व विधायक व हिमाचल प्रदेश पूर्व में रही शिक्षा मंत्री आशा कुमारी द्वारा उपमंडल मुख्यालय सलोनी दौरा किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी के साथ इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता व व्यापार मंडल के कई सदस्य उपस्थित रहे। लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह सलोनी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने सलोनी बाजार का दौरा किया। आशा कुमारी ने उस घटना स्थल का जायजा लिया जहां पर 10 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व जल शक्ति विभाग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिरकत करेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने इस मौके पर व्यवस्था का जायजा लिया और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उपमंडल मुख्यालय सलोनी में 10 मई 2023 को विधान को जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर वे डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को करोड़ों की सौगात देंगे। आशा कुमारी ने समस्त लोगों से अपील की है और की है इस मौके पर भारी संख्या में पहुंचे। देखिए ये सलोनी में एक बहुत बड़ी पानी की स्कीम जो है जो जिसका फाउंडेशन स्टोन समोगा के पास राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखा था वो स्कीम जो है अब बनके तैयार हो रही है और आजकल जो जल शक्ति विभाग जिसका नाम है उसके मंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री जी वो इस स्कीम का उद्घाटन करने आ रहे हैं 10 तारीख को। तो उसके जो तैयारियां हैं उसके लिए हमारी यहां पे जो वर्कर्स एक मीटिंग भी कॉल हुई विभागीय लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये हम देख रहे थे कि जो इनॉग्रेशन का स्टोन है वो कहाँ लगना है उसके अलावा जो उनकी जनसभा होगी वो भी यहाँ सलोनी में ही होगी। उनका लगभग 2 दिवसीय कार्यक्रम है 10 और 11 को आएंगे वो। 10 तारीख को उन्होंने पहले डलहौजी में कुछ स्कीम्स हैं उसका शिलान्यास भी करना है। डलहौजी का बस स्टैंड जिसके लिए जगह चयनित कर ली गई है उसका निरीक्षण करना है। जो ये डलहौजी और बनीखेत के लिए बड़ी स्कीमें बन रही हैं पानी की वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की एक तो उनमें से राजा वीरभद्र सिंह के समय का शिलान्यास हुआ है और दूसरी जो है मैं मुकेश अग्निहोत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि अमृत के स्कीम के अंदर डलहौजी के लिए 30 करोड़ रुपये की एक स्कीम सैंक्शन हुई है उसका शिलान्यास करने के लिए वो आ रहे हैं। मेरे ख्याल से वो जो डलहौजी की सीवरेज है उसके बारे में भी उसकी क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में भी वो निरीक्षण करेंगे क्योंकि वो भी शहर के अंदर ही है। और इसी तरह से एक IPH का रेस्ट हाउस बन रहा है बनीखेत में उसका निरीक्षण करेंगे। बनीखेत के लिए अलग से एक स्कीम तैयार हो रही है उसका निरीक्षण करेंगे। चौड़ा में जहाँ से ये स्कीम बन रही है डलहौजी के लिए उसका निरीक्षण करेंगे उसके बाद सलोनी आएंगे। रात्रि हॉल्ट जो उनका है 10 तारीख का वो सलोनी में होगा और उसके बाद वो वापसी में भिलई माता मंदिर होते जाएंगे। भिलई माता मंदिर के लिए वो जो जो सौगात देंगे हम उसका उनके लिए उनको धन्यवाद करेंगे। ये तो बात आपको उसी वक्त पता लगेगी जब वो आएंगे। मगर वहाँ पर एक क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जी के पास आर्ट लैंग्वेज एंड कल्चर विभाग भी है तो वहाँ पे भिले में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आर्ट लैंग्वेज एंड कल्चर की बनी है जिसका एक उद्घाटन तो बिल्डिंग का कर दिया गया पिछली सरकार द्वारा। ये बिल्डिंग भी राजा वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में उन्होंने वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से जो है पैसा आया था ADB बैंक की फंडिंग से ये पैसा आया था मगर वो बिल्डिंग जो है खाली है और कई महीनों से इसी तरह से वो खाली पड़ी हुई है जबकि वो प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए बिल्डिंग बनी थी। तो उसका भी वो विधिवत देखेंगे कि क्या करना है और किस तरह का वहाँ पे जो हमारे लोकल या तो चंबा रुमाल बनाते हैं या थाल का काम करते हैं या अन्य कोई काम करते हैं जो कि लोकल काम है जैसे हमारी महिलाएँ हैं उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं तो उसकी मार्केटिंग के लिए और इस तरह का क्या क्या वहाँ हो सकता है। हो सकता है कि मंदिर कमेटी के साथ भी मिल करके इस पे चर्चा हो क्योंकि ये दोनों ही विभाग जो मंदिरों को देखता है और लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर ये दोनों ही जो है मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है तो उस बिल्डिंग का भी कुछ सदुपयोग हो। इस
बात को देखते हुए उनका कार्यक्रम इन तीन जगहों पे है, डलहौजी, सलूनी और भिलई मंदिर में, और उसके बाद वो वापस जाएंगे। तो उसी की तैयारियों में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के यहाँ जो सब पदाधिकारी हैं, हमारे पीसीसी के महासचिव हैं धर्म सिंह पठानिया जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं पवन ठाकुर जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, और अन्य सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। और ये मीटिंग जो है बहुत सार्थक रही, और मुझे उम्मीद है कि मुकेश अग्निहोत्री जी जब आएंगे तो 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो काम डलहौजी चुनाव क्षेत्र में है, जो चल रहा है या चलेगा, उसका उद्घाटन या शिलान्यास करके जाएंगे। मुझे विश्वास है कि लोग भारी मात्रा में आएंगे, क्योंकि अगर हमारी कोई समस्याएं हैं जो पिछले वर्षों में जिनका समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी याददाश्त में शायद मुकेश अग्निहोत्री जी राजा वीरभद्र सिंह के बाद पहले ऐसे मुख्यमंत्री, तो वैसे ही वो पहले हैं हिमाचल प्रदेश के, पर उस स्तर का मंत्री वो पहले होंगे जो कि रात्रि विश्राम भी सलूनी में ही करेंगे। तो निश्चित तौर पे सलूनी में और भी समस्याएं हैं, पार्किंग को लेके हैं, कुछ डिमांड्स और भी हो सकती हैं, कोई इरिगेशन की डिमांड्स हो सकती हैं कुछ। तो लोग आएंगे, उनसे बात करेंगे तो उनका समाधान भी होगा, और मुझे उम्मीद है कि भारी मात्रा में लोग जो हैं उनकी जनसभा में उपस्थित होंगे।